खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बातचीत की है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको हम बता दें, कोरोना काल में देवदूत बनकर एक तरह से हमारी भारतीय सेना सामने आई है। रक्षा मंत्री ने इसके बाबत सेना प्रमुख से बातचीत की है और कहा है कि महामारी के दौर में और मददगार बने सेना, और ये निर्देश भी दिया है रक्षा मंत्री ने। तो सेना प्रमुख नरवणे से राजनाथ सिंह ने बातचीत की है और सेना को और मदद करने की बात कही है। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, क्या कुछ बात हुई है, रक्षा मंत्री ने क्या कहा सेना प्रमुख से? श्वेता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बैठक ली है उसके मुताबिक सेना को भी एक तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया, क्योंकि बड़ी संख्या में सेना के अपने बेसेज हैं और खासतौर से अगर दिल्ली की बात की जाए तो बड़ी संख्या में दिल्ली में भी सेना के लोग मौजूद हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डीआरडीओ पहले से ही दिल्ली में, डीआरडीओ ने दिल्ली, पटना और लखनऊ समेत कई जगह पर हॉस्पिटल बनाने की तैयारी की है। दिल्ली में 250 बेड का हॉस्पिटल कल शुरू हो गया है। तो इसी तरह से सेना को भी आने वाले दिनों के हालात का जायजा लेने के लिए कहा गया है और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको लेकर सेना किस तरह से मदद कर सकती है। लेकिन पहली चुनौती सेना के खुद के सामने है कि वो अपने सैनिकों को, चाहे सरहद पर तैनात हो या फिर अलग अलग शहरों में, वहाँ पर वो कोविड से बचे रहें। खासतौर से पिछले साल जब कोविड हुआ था, उस दौरान भी सेना ने कोशिश की थी कि उनके सैनिकों को किस तरह से बचाया जाए। हालांकि अलग अलग जगह पर काफी सैनिक भी इसमें संक्रमित हुए थे, लेकिन रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आने वाले जो हालात है उनसे निपटने के लिए सेना भी अपने स्तर पर तैयार रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आपको बता दें, हमारे साथ कुमार कुणाल जुड़ चुके हैं और साथ ही अशोक सिंघल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में लगातार जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद पहली सुबह और आज की तस्वीर क्या है, जरा ये बताएं। देखिए श्वेता, हम जहाँ खड़े हैं वो आनंद विहार का इलाका है। आनंद विहार वही बस अड्डा है जहाँ पिछले साल सबसे ज्यादा जब प्रवासी मजदूर यहाँ से गए थे तो भीड़ भाड़ देखने को मिली थी। आज रात भी, शाम को भी से लगातार भीड़ देखी जा रही है। आज लॉकडाउन है लेकिन यहाँ पर अभी भी देखिए किस तरीके से लगातार लोगों का आना जाना बसों के लिए इस समय चल रहा है। हर जो भी यहाँ पर आ रहा है वो अपने साथ सामान लेकर के बस अड्डे का रुख कर रहा है। ये हम बताएं कि ये दिल्ली की तरफ से हम लोग आ रहे हैं पैदल और इस फुट ओवर ब्रिज के जरिए वो उस बस अड्डे में जा रहे हैं जहां की हम आपको अब तस्वीर दिखाएंगे। ये है यूपी का इलाका और ये है कौशाम्बी का बस अड्डा जहां पर इस समय आपको भी काफी बसों की आवाजाही दिखाई पड़ रही होगी। साथ ही साथ लोग काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद अब भी हैं। इन्हें सबको हमारी सुबह से बात हो रही है, हर कोई यही कह रहा है कि यहाँ से वो अपने घर जाना चाहते हैं। कुणाल, एक सवाल अभी लगा। कुणाल, एक सवाल वहां पर अगर आप किसी से पूछ पाए, ये पूछिए कि खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा है, अपील की है इनफैक्ट, कि 6 दिन